ये प्रोटेस्ट ना बहुत चमत्कार टाइप से काम किया। का लाइफ का अचीवमेंट है ये, इसी का तैयारी बरसों से कर रहे थे। हर हस्बैंड का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अगर टीचर वो बनना चाहती है कोई भी चीज, चाहे कोई भी प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो नो डाउट कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, उनको करने देना चाहिए। बार बार दो बार जैसे कैंसिल हुआ ना, तो लगा कि नहीं झारखंड का तैयारी करना ही नहीं चाहिए, झारखंड गवर्नमेंट का एग्जाम देने से अच्छा है कि बिहार का दे दो। कभी कभी हम डिमोटलाइज हो जाते थे, मेरे दो बच्चे भी हैं, तो मेरा फैमिली का पूरा कोऑपरेशन रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज 2854 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड के अभ्यर्थी अलग अलग विषयों को लेकर कहीं ना कहीं राजधानी रांची हो या फिर झारखंड के कई जिला, वहां पर आंदोलन करते हुए नजर आते थे और यही बोलते थे कि आखिर सरकार नियुक्ति कब देगी। आज देखिए तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी राजधानी रांची के शहीद मैदान पहुंचे हुए हैं और इनका कहना है कि चंपई सोरेन ने अच्छा काम किया है। एक अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे इनका संघर्ष, उसके बाद जानेंगे कि आगे इन्हें क्या करना है। लंबे समय से संघर्ष था, कई बार आंदोलन भी किया, पहले ये बताइएगा नियुक्ति पत्र आज मिला है, कैसा लग रहा है और किस विभाग? आज नियुक्ति पत्र मुझे मिली है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे आज पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में नियुक्ति मिली है और मैं धन्यवाद देती हूँ चंपई सोरेन का कि हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसका रंग लाया। आप लोग ने भी बहुत सपोर्ट किया, पूरा ये किया यूट्यूब में, तो शायद गवर्नमेंट को लगा कि हाँ हम लोग का प्रोटेस्ट जायज़ है और हम लोग को रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि हम लोग तीन बार से एग्ज़ाम दे रहे थे और रिजल्ट डिले हो रहा था बार बार। लेकिन ये प्रोटेस्ट ना बहुत चमत्कार टाइप से काम किया कि 10 से 15 दिन के अंदर में हम लोग को रिजल्ट भी मिल गया, डीवी भी हो गया और आज है सो नियुक्ति पत्र भी मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद देती हूँ हमारे सीएम को। देखिए संघर्ष जो था सभी लोगों ने देखा, ये बताइएगा कोई ऐसा संघर्ष जो आपको याद होगा और कहीं ना कहीं उस वक्त ऐसा आपको लग रहा होगा अब सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरे से नहीं होगा। मैं जब एग्ज़ाम दे रही थी ना, तो बहुत बार दे रही थी तो नहीं हो रहा था और बार बार दो बार जैसे कैंसिल हुआ ना, तो लगा कि नहीं झारखंड का तैयारी करना ही नहीं चाहिए, झारखंड गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देने से अच्छा है कि बिहार का दे दो या अदर स्टेट का दे दो। मैंने क्वालिफाई भी किया है बिहार का, लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि नहीं झारखंड गवर्नमेंट भी अब आगे कर रही है, अच्छा आगे अब नेक्स्ट टाइम से भी आगे ऐसे ही नियुक्ति होते रहे तो फिर बहुत बहुत आगे बढ़ेगा हम लोग का, झारखंड बहुत आगे जाएगा। क्या कुछ रोड मैप बनाई है, किस तरीके से काम करना है? बस अभी तो मैं इंजीनियर हूँ तो अभी तो ट्रेनिंग तो नहीं मिला है, जो भी बुक का नॉलेज है वो ऐसा है, लेकिन जो पूरा धरातल पे काम हो वैसा काम करूँगी, 100% अपना सहयोग दूंगी और अच्छे से काम करूँगी। तो देखिए अभ्यर्थी जो है काफ़ी खुश है, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिर उनकी नियुक्ति कब होगी और आपने देखा होगा कि कई बार आंदोलन जो है अभ्यर्थियों की ओर से देखने को मिला है, कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, कैसा लग रहा है पहले ये बताइए? बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम, बहुत ही खुशी हो रही है, हम लोग का लाइफ का अचीवमेंट है ये, इसी का तैयारी बरसों से कर रहे थे। कहाँ से आई हैं? हम धनबाद से आए हुए हैं। अच्छा ये बताइए संघर्ष काफी बड़ा रहा, लगातार ये भी आप लोग सोच रहे थे कि झारखंड में क्यों जन्म लिए, यहाँ पर नियुक्तियाँ नहीं होती है, तो क्या अब वो दिमाग में जो परसेप्शन था वो हटा? जी बिल्कुल हट गया है, डिमोटिवेट तो बीच बीच में हो ही जा रहे थे, लेकिन जो है कि थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा पेशेंस, जॉब का बात है गवर्नमेंट जॉब का, तो भी तो बहुत मतलब खास तस्वीर दिखाएंगे, इनके हस्बैंड जो है बार बार इनकी तस्वीर ले रहे हैं और जाहिर तौर पर आज खास दिन भी है और ऐसे में इनके पति से भी बातचीत करेंगे कि लगातार संघर्ष की, सिर्फ यही सोची कि नियुक्ति हो जाए, आज नियुक्ति हुई है, कैसा लग रहा है और इन्हें क्या मैसेज दीजिएगा, क्या बोलिएगा? बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ हम लोग, और पहले तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी, लेकिन होपफुली भगवान गॉड से गॉड की वो फिर से ये हुआ और इनका लगन शुरू से टीचर बनना चाहते थे, क्योंकि मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ दोनों टीचर हैं, तो ओबियसली शुरू से उनको ज़्यादा ये था कि मेरी बेटी जो है अच्छे से मतलब कोई टीचर बने, अच्छा ये तो पीजीटी नो डाउट बहुत बढ़िया ये है। लव मैरिज हुआ है कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हम लोगों का। इनका सपोर्ट कैसा रहा, अरेंज मैरिज हुआ है सपोर्ट कैसा रहा? सपोर्ट एकदम 110% है सपोर्ट, और हमेशा से ही हर चीज में मोटिवेट किए हैं, मोटिवेट रहे हैं, कभी कभी हम डिमोटलाइज हो जाते थे, मेरे दो बच्चे भी हैं, तो मेरा फैमिली का पूरा कोऑपरेशन रहा है, मेरे मम्मी पापा खुद टीचर थे, तो इसीलिए शुरू से हम टीचर लाइन को ही मतलब सिलेक्ट किए हैं, पढ़ाते भी थे प्लस टू में, एकलव में थे, तो बस अचीव करना चला। इनकी जो रुचि है वो शिक्षक बनने की है?
एक्चुअली जब हम लोग मैरिज से पहले जब बात हुई तो पता चला कि ये प्राइवेट टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो हमको अच्छा लगा कि चलो ठीक है, मेरे बच्चे भी जो होंगे तो वो इसलिए मतलब अच्छा ये होगा, तालीम मिलेगा इनको। तो तब से तो फिर बाद में जब मैरिज होने के बाद इधर आ गए हम लोग, तो फिर पढ़ाई तो रुचि था ही। जो शादी से पहले ही आपको पता चल गया था जिम्मेदारी जो है वो आने वाली है, इन्हें आगे पढ़ाना है। बिल्कुल पढ़ाना, और हर हस्बैंड का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अगर टीचर वो बनना चाहती है कोई भी चीज़, चाहे कोई भी प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो नो डाउट कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, उनको करने देना चाहिए। तभी तो पता चलेगा कि ये क्या, जो जो एडुकेशन इन्होंने हासिल किया है उसको पूरा यूटिलाइज होना चाहिए हमारे लाइफ में, नहीं तो फिर अधूरा रह जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं बनता। एक बड़ा संदेश दिया है कि जितनी भी लड़कियों की शादी होती है उनके पति अगर उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनकी जो पत्नी है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आप निरंतर अपनी पत्नी को सपोर्ट कीजिए, जो सपना लिए वो आगे बढ़ रही है, वो सपना जरूर उनका पूरा होगा अगर आप अपनी पत्नी का सहयोग कीजिएगा। चलिए, उन्होंने बड़ा संदेश जो है वो सभी लोगों को दिया। इसी तरीके से और भी खबर हम आपको दिखाएंगे, फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत, नमस्कार। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी, यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेम को मोड, धनबाद। एडमिशन ओपन। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।